आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल वाली हांडी कटहल की सब्जी, जो कि मैंने हांडी में बनाई थी। और बिल्कुल जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल नॉनवेज वाली आई थी। तो मैं तो खाती हूँ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने कटहल, जिसे हम लोग जैक फ्रूट कहते हैं, उसे ले लिया है और अच्छे से छिल के कट कर लिया था पीसेस में। अब मैं एक कुकर में इन कटहल को डाल के उसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के 2 से 3 सीटी तक कुक करूँगी। फिर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल कर उसे अच्छे से गर्म होने दिया। और जो मैंने कटहल बॉयल किया था, आप देख सकते हो कितना अच्छे से बॉयल हुआ है। ना इसे ज़्यादा बॉयल करना है, नहीं अगर आप ज़्यादा बॉयल करोगे तो ये कटहल गल जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि 2 से 3 मिनट होने तक बंद करके आप इसे अच्छे से निकाल लेना और जो पानी होगा इसमें इसे अच्छे से निचोड़ लेना। इसके बाद हम इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे तेल में, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। और मैंने इसके साथ 2-3 आलू भी दे दिया था, क्योंकि मुझे कटहल के साथ में आलू डली हुई बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी बनाओ तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। और आलू को भी मैंने ऐसे ही छील करके 4 पार्ट में डिवाइड करके इसमें तेल में अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था। जब आलू कटहल सब कुछ फ्राई कर लिया, फिर मैंने क्ले पॉट ले लिया था और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल 3 चम्मच के अनुसार डाल दिया था। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी, जैसे कि दाल, खरी लाल मिर्च, तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी खड़ी काली मिर्च भी डाली है और 1-2 इलायची, थोड़ी सी लौंग डाली है, क्योंकि तो आपका खड़ा गरम मसाला में आ जाएगा तो आप भी इसे ऐड कर सकते हो। तीखा कम करना है तो फिर आप काली मिर्च नहीं ऐड करना, क्योंकि काली मिर्च से थोड़ा सा तीखा तो होता ही है पर टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हींग भी यूज़ कर सकते हो, हींग से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और मैं देखो इसको अच्छे से भूने दूँगी। तब तक मैंने 4 से 5 प्याज ले लिए थे और उसे बिल्कुल बारीक तरीके से कट कर लिया था। जैसे ही ये मैं डाला पर चटक गया तो मैंने बारीक कटे हुए प्याज को इसमें डाला और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज आप बारीक ही कट करना जिस तरीके से मैंने किया है, और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। जब भी आप वुडन का पॉट यूज़ करते हो तो ध्यान रखना कि आप इसमें पानी रात भर छोड़ देना, ताकि जो है ये तेल एब्जॉर्ब भी कम करेगा और सुबह बनाने में आसान होगा। उसके बाद मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी जिंजर गार्लिक और खड़ी लाल मिर्च का पेस्ट 3 चम्मच इसमें डाल दिया था, और टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रखा था 3 से 4 उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। इससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन मसालों को भी डाल दिया था और इसे मैंने अच्छे से भून लिया था। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे, आप देखोगे जितने भी तेल है वो ऊपर आ चुके हैं और मसाले टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, तो फिर हमें इसे थोड़ा और कुक करना है थोड़ी और देर तक, क्योंकि मसाला जितना कुक होगा टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद मैंने ऊपर से इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड किया है फ्लेवर बढ़ाने के लिए। और मैंने इसमें एक सीक्रेट मसाला यूज़ किया है, जो कि आप बिल्कुल मत भूलना। वो सीक्रेट मसाला था मेरा मटन मसाला। जी हाँ, मटन मसाला बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्या पता उसमें मटन हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब्जी में भी मीट मसाला, चिकन मसाला यूज़ कर सकते हो,
तो मैंने ये कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए 2 चम्मच एवरेस्ट का मीट मसाला यूज़ किया है। उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा खरा गरम मसाला पाउडर जो होता है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से कुक किया था। आप देख सकते हो कितने अच्छे से कुक हो गया है मसाला, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। और इसे आप बीच में चलाते रहना, छोड़ना मत, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और आपके पास अगर ऐसा कुछ मिट्टी का बर्तन नहीं हो तो आप कढ़ाई में भी इस तरीके से बना सकते हो, दोनों में ही टेस्टी बनेंगे। मेरे पास बर्तन था तो मैंने सोचा आज इसमें ही ट्राई करती हूँ। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ा कसूरी मेथी डाल दिया था और इसे अच्छे से भून लिया। जब मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे तब मैंने जो कटहल भुना हुआ रखा था ऑलरेडी, जो मैंने कुक कर दिया था और फ्राई करके रखा था, उसे इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सारे कटहल को एक बार ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जो मैंने आलू भी फ्राई करके रखा था उसे भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करके दूँगी। अब मैं इसमें फ्रेश हरी धनिया पत्ती ऐड करूँगी। पहले मैं कटहल और आलू के मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाए और सारे मसाले कटहल ऑब्जर्व कर ले और आलू भी। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी देखते ही इतना लजीज लग रहा है, तो बना तो बहुत टेस्टी था। फिर मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया फ्रेश हरी धनिया पत्ती से। पहले अभी मैंने थोड़ा सा हरी धनिया पत्ती को ऐड किया, उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया था। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, मसाला अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि कटहल और आलू पहले से ही पक चुका था, जैसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, तब मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी। आप इसे भुना हुआ भी रख सकते हो, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो पानी डालोगे तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसमें पहले मैंने फ्रेश हरी धनिया पत्ती डाला, फिर मैंने इसमें पानी को डाल दिया। 1 कप के अनुसार मैंने पानी डाला, क्योंकि मुझे ग्रेवी बिल्कुल पतली नहीं चाहिए थी, गाढ़ी चाहिए थी। और पानी डालने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही कवर करके कुक किया था। और कुक करने के बाद ये बहुत टेस्टी दिख रहा था। आप इसे गर्मा गर्म राइस, रोटी या फिर पूरी के साथ खा सकते हो, और किसी स्पेशल ओकेज़न पे भी आप ज़रूर बनाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है।